Ni llega por pecha, no me मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर बिली, मैं हूँ जूल्स हॉलवे। मैं दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्म पैट सिंक्लेयर के लिए काम करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हें कुछ डिस्कस करने आई हूँ। तुम लोग कभी हार नहीं मानते ना, तुम टाइम पर बात कर रहे हो। ये बात सिर्फ तुम्हारे फायदे की है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे जो पता है उसका सिर्फ एक ही फायदा है। हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मिल्क और इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर के सिक्योरिटी सिस्टम की अच्छी जानकारी है तुम्हें। तुम्हें सब कैसे पता? तुम्हें इसके लिए चुना गया है। किसने चुना? कोई और है जिसकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी मिस्टर बिली। वैसे हम तुम्हारी सजा जरूर कम करवा सकते हैं अगर तुमने बदले में इंफॉर्मेशन दी तो। मैंने सुना था कि मेरा खास ख्याल रखा जाएगा, मैं एक हफ्ते में वहां मर जाऊंगा। अगर तुमने हमारी मदद की तो बदले में तुम्हारी सजा पूरी तरह माफ हो जाएगी। माफ हो जाएगी? वैसे तुम कौन हो? मैं इमरजेंसी पास आर्ट के तरफ से हूँ मिस्टर बिली। तुम्हारे कैद के 2 साल में पूरी दुनिया बदल चुकी है। बाहर हमारे नए दुश्मन बन गए हैं और हमें उन सब से लड़ने के लिए नए औजार चाहिए। नहीं, मेरे पहले से बहुत दुश्मन है, मुझे और नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें यहीं रहना होगा। काम क्या करना होगा? मैं स्पेशलिस्ट की टीम को लीड कर रही हूँ और ये एक खास काम है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। तुम धोखेबाज नहीं लगती, पर तुम्हारी ये वर्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम के मेंबर होने के नाते तुम्हें कुछ नियम मानने होंगे। अगर तुमने वो ना माने तो इसका नतीजा तुम्हें ना मंजूर है। कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने काम को अच्छी तरह से समझ जाओ। तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। बात समझ में आई? तो ठीक है मिस्टर बिली, तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स तैयार करवा दिए जाएंगे फॉर रेंट। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों पर थोड़ी देर के लिए असर होगा, पर इम्प्लांट से तुम्हारी नजर को कुछ नहीं होना चाहिए। दिखाई दे रहा है? थोड़ा धुंधला दिख रहा है। वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही जा रहा है। मैक, डेकर, बहुत दिनों बाद। 8 साल बाद। कम से कम तुम भी इसमें हो। तुम्हारा मददगार तो वो तुम थे। जब तुम साथ हो तो सब अच्छा ही होगा। ये कंपनी का बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। मैं अपनी हार से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ, पर तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें बाकी क्रू से भी मिलना चाहिए। वो है नटाली कनेको। नटाली मेरा पुराना दोस्त है, बिली मैक्रे। हाय। ये बिल्डिंग सिक्योरिटी में है और वो है काइल एस्लर, ये बिल्डिंग इंजीनियर है। काइल। हाय। ये सब के सब माहिर है। डेटा फीड परीक्षण का वक्त है, तैयार हो? ओ ओ शिट। बिल्कुल पता नहीं चल रहा।
तुमने सही कहा, सूजन कम हो जाएगी। ब्रॉडबैंड डेटा लिंक अब तुम्हारे सिर में है। हमेशा से यही चाहता था। ये खेल इसी तरह खेला जाता है बिल। तुम इसके लिए ही राजी हुए थे, तुम्हें इम्प्लांट से खुशी होगी, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? जैसे ही काम खत्म हो जल्द से जल्द ब्रीफिंग रूम में मिलो, ट्रेनिंग फौरन शुरू होगी। पुराने दिनों की याद आ गई ना, अब हमारे ऊपर कोई गोली नहीं चलाता। Thank you.
आराम से ऑफलाइन। तुम भी? मैं भी। मेरा डिस्प्ले चला गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अभी अभी कनेक्शन खो दिया। इसे वापस कैसे लाएं? हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो हमें अभी लेने आने वाला था। वो 10 सेकंड पहले लेने आया था। हम कुछ नहीं देख पा रहे। हमें लिंक फिर से बनाना होगा। शांत रहो, सब लोग शांत रहो। क्या मिलकर इस बारे में जानते हैं? उनके पास हमारे सिग्नल लेने का इंटेल नहीं है। उन्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। हम क्या कर रहे हैं? जूल्स, हमारे पास वक्त नहीं है। नटाली, गार्ड्स के यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त है? वो किसी भी वक्त पहली मंजिल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओ नहीं, तो हम बेसमेंट तक लिफ्ट से जाएंगे। नहीं, हम हेलीकॉप्टर का इंतजार करेंगे। कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। मैं इंतजार करूंगी। मैं भी। हमें जाना चाहिए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हम इसे साथ ले जा सकते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। मैं इसके लिए खतरा लूंगा। अगर हमने डिवाइस को नहीं बचाया तो ये नियम के खिलाफ। मैक्स सिंक्लेयर फिर से कांटेक्ट बनाएगा और हम सबको यहाँ से निकाल देगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बिल, समझ में आया? जूल्स, ठीक है, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। खैर, लिफ्ट को बेसमेंट पे ले चलो, जल्दी। हम फंस गए। What? मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं जा सकता, वरना सीधे बेसमेंट में गिरेंगे। रुको, इस तरह वो हमें नहीं रोक सकते। ये हो सकता है तो करो। हमें बेसमेंट में पहुंचते ही वहां से निकलना होगा। हो जाएगा, मुझे लगता है तुम आ गया हो। क्या? चलो। इसे लेकर यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। इस बारे में और बात नहीं करनी है बिली। वैसे आखिर ये चीज क्या है? बताओ जूल्स, क्या है ये? इस जानकारी के बारे में मिशन में कोई बात नहीं होगी। तुम नहीं जानती ना क्या है?
तुमने इस चीज को वॉल्ट रूम में नहीं देखा था? ये फ्लड चैनल में था जो ग्रीन जोन के बगल में है, ठीक उनके नीचे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था जूल। देखो, हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। किस लिए? बिल्कुल ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, इसमें खतरा है। और हम यहाँ से बाहर जा रहे इसके साथ? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब चलो। जीसस। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ। मैं आगे रहूंगा। हाँ? अगर हम यहाँ से निकल गए तो हमें स्पीड ट्राइब से निपटना पड़ेगा। हमें कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए कुछ करना। लेबर कैंप्स पास करेंगे। सही कहा। ये पूरा इलाका मिलकोर इंडस्ट्रीज एनफोर्स डेड जोन है। उनके पास पायरेट आईपीस या ऐसा ही कुछ होगा। तुम क्या करने वाली हो? किसी दरवाजे पर खटखटाओगी और पूछोगी कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं? कॉर्पोरेट हैंडलर्स के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। यही तो मैं करने वाली थी, लेकिन मुस्कुराकर। ठीक कहा ना बिली? वो कौन है? जूल्स, तुम क्या करने वाली हो? आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ अभी। चलो 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 चलो। ये क्या है? अब ये क्या है? उन्हें अभी पता नहीं चलना चाहिए। तुम ये क्यों कर रहे हो? वो मिलकोर नहीं है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। अब ये सब है क्या? ये ब्रिज क्रू है। कॉर्पोरेट पुलिस वाले अपना धंधा चला रहे हैं। वो कमजोरों को मारते और ताकतवर से दूर रहते हैं। इसकी जानकारी के लिए यहाँ रहना जरूरी है, पर अब मैं यहाँ नहीं रहता। बिली, यही तो हमारी मिशन है। देखो, इस वक्त वो हमारे सामने है। हमें पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मारने के लिए और इस चीज को हासिल करने के लिए। ये रास्ता काफी बड़ा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। बिल, इस तरफ। वो बेवकूफ मर जाएगा, सब मरेंगे। ब्रिज पर और भी है। चलो जल्दी चलो। इजाजत नहीं है, हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। देखो, और मैंने मना किया था ना। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? देखो, और तुम कहाँ हो? देखो, और मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। तुम कहाँ हो? डेकोर, आह,
तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना जूल्स? अब हमें चलना चाहिए जूल्स, चलो चलो अब हमें चलना होगा, चलो चलो खड़े जाओ, मुझे देखो हमें जाना है, उठो उठो उठो, चलो उठाओ उसे, चलो चलो। बिली तुम क्या कर रहे हो और इस मिशन का क्या? वो खत्म हो गया नेट, उन्हें मदद चाहिए। इस वक्त हम उनकी मदद नहीं कर सकते, चलो। क्या क्या तुम कहाँ जा रहे हो? अपने लिए मदद मांगने। ये ऐसे ही घूम रहे हैं। क्लार्क, मैं हूं मैक्रे। क्लार्क, मैं हूं मैक्रे, वो दोस्त दरवाजा खोलो। तुम यहां क्या कर रहे हो? काम बिगड़ गया। नहीं, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें जेल में होना चाहिए था। मैंने एक सौदा किया है। क्या? एक सौदा? किसके साथ? मुझे मदद चाहिए क्लार्क। पहले जवाब दो बिली। ठीक है पैक्स इन क्लियर। ठीक है, बात पैसिफिक रिम कंसोर्टियम की है। हाँ मुझे पता है वो लोग कौन है, पर क्यों? मैं जेल में सड़ रहा था मेरे दोस्त। तुम्हें वही होना चाहिए था, तुमने बात की और सारा नेटवर्क खराब कर दिया। ठीक है ठीक है। पता है तुम अभी तक यहां क्यों हो? क्योंकि तुमने बात नहीं की, क्योंकि तुमने नेटवर्क पर काम नहीं किया। उन कमीनों ने मौके का फायदा उठाया है। क्या तुम मुझे मारने वाले थे क्लार्क? हर कोई पकड़ा जा रहा है, सब गायब हो रहे हैं, और फिर तुम अचानक से लौट आते हो और कंपनीज के साथ सौदे की बात करते हो। मैं क्या सोचूं बताओ? देखो दोस्त, हमने जो भी साथ में किया उसका हिस्सा मैंने तुम्हें दिया। ठीक है, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। देखो यहाँ माहौल बहुत खराब है, हर जगह ड्रोन्स लगे हुए हैं और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, थोड़ी घबराहट तो होती है ना। क्लार्क, ये नेटली है। हाय। हे, सॉरी तुम्हें रोकने के लिए। तो काम क्या था? एक टाइम सेफ क्रैक मार्क 3, वही सिस्टम जो मैंने सोलर प्लांट में 3 साल पहले किया था। फिर से मिलकर? मुझे लगा मैंने इसे कुछ ज्यादा ही सिखा दिया। तुमने क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं, बस सब कुछ सही हुआ, पर बाद में अचानक हम मुसीबत में आ गए। रुको, सोलर प्लांट? आ जाओ वो अंदर आओ। तुमने किया था? वो तो तुमने गड़बड़ की और तुम्हारे नए बॉस ने तुम्हें फंसा दिया है? ये सब तुमने बनाया है? सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये चीज मेरे सिर से निकाल दो। चीज? क्या चीज?
अगर हम उत्तर की ओर गए तो हम मिलकोर से दूर हो जाएंगे। बेटे क्यों? किस तरफ? स्पीडवे की तरफ बढ़ेंगे तो शायद सेफ होंगे। जूल्स, मुझे देखो, हमें यहां से जाना होगा, हमें अभी यहां से जाना होगा। चलो हम निकलते हैं। जूल्स, चलो यहां से निकलो अभी, चलो। कुछ तो करो, मुझे पता है तुम इसे निकाल सकते हो। मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। इसे बिगाड़ देते हैं ताकि वो हमें ट्रैक न कर पाए। ये मेरी समझ के बाहर है, पर तुम इसके लिए राजी हुए ही क्यों? उन्होंने मुझे बाहर निकाला, इसलिए मैं इस डील को मना नहीं कर पाया। पैसे? कोई तो रास्ता होगा, मुझे लगा इस मुसीबत से तुम मुझे निकाल लोगे। एक मिनट, ये तुमने प्लान किया? देखो, मैंने कभी साउथ जाने का प्लान नहीं किया था। शिट, मैं वापस उस जगह नहीं जाने वाला। वो क्या था? क्या? देखो, ये देखो। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अब भी धुंधला सा वीडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हो अपनी राइट आई से। ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। हम उन्हें सारी जानकारी दे रहे हैं। अब ये पैट सिंक्लेयर कहाँ है? पैट सिंक्लेयर को अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था अपनी गन्स के साथ। शायद प्रॉब्लम उनकी ओर से है। हो सकता है किसी ने उनका सिस्टम हैक कर लिया हो। किसी ने पैट सिंक्लेयर को हैक किया होगा? इस पे यकीन करना मुश्किल है। बिली, किसी को भी हैक कर सकते हैं। क्या तुम इसे हैक कर सकते हो? हाँ, पर नहीं, वो इंस्क्रिप्शन मिलिट्री ग्रेड है और मेरी समझ के वो बहुत आगे है। पर तुम उसे डिटेक्ट कर सकते हो ना, मतलब दूर से? लगता तो है, शायद कर लूंगा, देखते हैं। रुको, हम नहीं जानते कि वो पकड़े गए हैं कि नहीं। अगर वो अभी भी वही है तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। पर तुमने तो कहा था कि काम बिगड़ गया था। कहा था, पैक सिंक्लेयर हैक हुआ था, बड़ी बात है। यही मौका है। अच्छा, अगर पैक सिंक्लेयर हैक हुआ है तो उन्हें इस बात का पता कब चला होगा? वो तो नहीं पता, पर पता लगा लूंगा। अरे नहीं, वो तो सीधे यही आ जाएंगे। शिट। ओके, ये ट्रैकिंग वाली चीज काम कैसे करती है? आओ देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ट्रैक कर सकता हूँ, बाउंस कर सकता हूँ और रीब्रॉडकास्ट भी। मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक ऐसी चीज है, बस इसे फोन कॉल्स नहीं कर सकता। रुको, हेलो, हाँ मिलकोर, हाँ वो यही है, बिली, तुम्हारे लिए है। बिली, बात तो करो। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। नाउ अब लगता है एक से ज्यादा है।
देखो वही है, पता नहीं अभी भी उनके पास वो पैकेज है या नहीं। बुरी खबर है, वो सभी गैंग सेंट्रल के बीच में है। चलो हमें ये तो पता है कि मिल्कॉट ठग्स उन्हें नहीं ले जाएंगे। वैसे उनकी हालत काफी खराब है, उन्हें निकाल लिया तब भी हमें इससे कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। क्या हम हमारे कॉर्पोरेट हैंडलर से कांटेक्ट करने के लिए तुम्हारा गैर कानूनी इंटरनेट इस्तेमाल कर लें? को मुझे कुछ सोचने दो। कंपनी से अपलिंक हो रहा है, यहाँ से हालात काफी खराब है। मैं अक्सर फ्रीज की हुई चीजें खाता हूँ, ये तो बस कंप्यूटर के लिए है। ये किस तरह के कंप्यूटर? पुराने हैं, बहुत पुराने। हमें बाहर जाना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम अपलिंक को बदल सकते हो, मैं भी ये कर सकती हूँ, बस बताओ करना क्या है। मैं अक्सर बाहर काम नहीं करता, ज्यादा नहीं, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये अच्छी है, मैं इसे नहीं जानता। अच्छी है ये, मेरे से भी अच्छी है। जिंदगी मुश्किल है, उन ग्रीन जोन फैक्ट्रीज में काम करना, मजदूरों के साथ गंदे इलाके में रहना और दिन भर कड़ी मेहनत करना और साथ ही खाने में वो घटिया चीजें, मैंने सच में खाई है। अब क्या बताऊं तुम्हें, उसका स्वाद सच में बहुत घटिया था। फिर भी तुम उसके बारे में नहीं जानती है ना? हम तुम्हारे इलाके में नहीं आना चाहते थे। इलाका कुत्तों का होता है, मैं किंगसिड हूं, मेरा पूरा शहर है ये, पूरा शहर। हम बस भटक गए। अच्छा भटक गए हो तुम लोग। तुम कंपनी को बर्बाद मत करो, इस चीज को निकालो और ऐसे भागो जैसे तुमने कोई टीवी चुराया हो। हम बच के निकल रहे थे। हाँ, कॉर कॉप्स, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वहां पर हमला हुआ था, वहीं पर जहां ग्रीन जोन लेबर एंट्रेंस है। यहां खबर आग की तरह फैलती है, कुछ तो गड़बड़ है यहां। हाँ, वैसे ये काफी दिलचस्प दिख रहा है, लगता है जैसे ये ग्रीन जोन से आया हो। और वैसे तुम मजदूर नहीं लगती हो, ना ही तुम उनकी तरह बात करती हो और ना ही चोरी करती हो मजदूरों की तरह। और तुम में से उन जैसी बदबू भी नहीं आ रही। तुम इन सबकी बॉस हो है ना, और तुम्हें अपने लोगों की फिक्र है, तो चलो बात करते हैं, उसे लेकर आओ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो। जरा समझाओ। ठीक है, इस आदमी ने तुम्हारे तरह कपड़े पहन रखे हैं और तुम्हारी तरह साफ है और तुम्हारे जैसा ही जिद्दी है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा क्या तुम जानते हो कि ये क्या चीज है? बहुत जल्दी बता दोगे। क्यों नहीं तुम अपने इस आदमी को बचाने की कोशिश करो। हाँ, आ जाओ, नहीं तो ये बात बिगड़ जाएगी। जोर का झटका देना। ले ले ले। हे, वो क्या है? क्लार्क? मैं नहीं जानता, इंटरफेरेंस, सिग्नल में कुछ रुकावट आ रही है। बाहर के लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, वो उन गाड़ियों के लिए पेट्रोल लेकर आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी बढ़ाए हैं। सुनो, किंग स्पीड को ये पसंद नहीं आएगा, ओके? किंग स्पीड? वो स्पीड ट्राइब का शॉर्ट कॉलर है।
किंग सीट कौन है? वो लेबर कैंप्स में ड्रग्स सप्लाई करता था, अब वो हर तरह के काम करता है, ड्रग्स, कंप्यूटर्स, गन्स, पेट्रोल, हर चीज जो भी बैंड है उसे बेचता है। मिलकोर ने उसे छेला है क्योंकि वो लेबर कैंप वालों को खुश रखता है। उन्हें पता चला कि वो कंपनी के लिए काम करते तो मारे जाएंगे। अब प्लिंक वाली जगह नजदीक ही है, शायद वो वहां पर ही है। ठीक है, देखो ये जगह एक किले जैसी है, मैं सब पे नजर रखूंगा, तब तक तुम इसे ठीक करो। ओके, हम पैक्स इनक्लेयर को इस बदमाश से निपटने देंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ, चलो जाओ 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 जाओ। हमें नहीं पता, कहा ना हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। एक बात कहूं मैं, तुम किसी काम की नहीं हो और ना ही तुम्हें इस आदमी की फिक्र है, तुम इसे मरता हुआ देखना चाहती हो, सच बताओ वरना। नहीं। अगली बारी तुम्हारी, जूम करो। ए, ए। क्या ये आदमी तुम्हारे साथ है? अंदर ले आओ। ये स्टेशन पूरे ग्रीन जोन को फीड करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल वहां तक फैली है। हम लोग सैटेलाइट अपलिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे पास तो हार्डवेयर है। वो नजर रखते हैं नेटली हमेशा, झपकते ही हमारे पास पहुंच जाएंगे वो लोग। इसमें बहुत खतरा है। अगर हम सीधे अंदर गए तो? हाँ, फुल ग्रेड एक्सेस होगा और वर्चुअली ट्रेस नहीं होगा। तुम्हें बस ये करना होगा कि इस शंट को वहां पाइप पर प्लग करना है। हमें छत पर पहुंचते ही मिशन खत्म कर देना चाहिए था, पर वहां पैसा था ना। वैसे बात पैसों की नहीं थी, बीएस कंपनी के लिए पॉइंट्स बनाने थे। मुझे लगा अगर मैंने ये काम अच्छे से किया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं भी कभी कंपनी में काम करता था, बहुत अच्छी नौकरी थी, ज्यादा दिन टिकी नहीं, पर मैंने उनके सिस्टम के बारे में सीखा और यही काम आया। मैंने बड़ी कंपनीज को हैक करना सीख लिया, बिली को सिक्योरिटी सिस्टम्स तोड़ना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो तुम लोग बड़ी कंपनीज को निशाना बना रहे थे? हाँ, पर ऐसा तब किया जब सब बर्बाद हो गया। कंपनी ने ज्यादातर लोगों को मार डाला, पर उन्होंने बिली को छोड़ दिया, पूछताछ की, पता नहीं और क्या क्या किया। कभी सोचा नहीं उससे मिल पाऊंगा। मार दिया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ ये सब भी चल रहा है। मुझे लगा कि जूस की तरह मैं भी वहाँ कुछ काम करूंगी। हो गया, चलो, और उस काम के मजे लूंगी, समझ रहे हो ना? ये लो। यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी। सीट, किंग सीट। मेरे जाने के बाद तुम बिजी हो गए। तुम तो काम से गए, हमने तुम्हारे नाम पर ड्रिंक किया। सुनी हुई बातों पे यकीन मत करो। हाँ, सच क्या है मैं तय करूंगा। जानते हो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त, लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका। तुमने है मेरे लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम्हारे लोग? आखिर मैं तुम्हारे लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? अच्छा ठीक है, पर ये लोग यहाँ पर कैसे आए बताओ? काम बिगड़ गया था, हम बिछड़ गए थे, तो ऐसे में यहाँ पहुंचा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, क्या कहते हैं तुम्हें, वो शॉर्ट कॉलर है ना? सिर्फ एक क्रू और कुछ भी नहीं। सुनो दोस्त, मैं इनसे यही कह रहा था कि तुम शॉर्ट कॉलर नहीं हो। क्या हुआ बिल्ली बच्चे, चल चेहरा उठा, तुझे तो ये सब पसंद था याद है? थोड़ा रहम करो सीट। आ,
हमें आगे चलकर काम करना है, मुझे और तुम्हें। देखो कोर्ट के लिए मैं सब कुछ बता दूंगा। कोर्ट के लिए? कोर्ट के लिए? उस कोर्ट के लिए भी तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी था, और उस कोर्ट के लिए इस निकम्मे को सजा दो अभी। ले ले ले। चलो एक बात बता दो, मैं इसे अपने कब्जे में रखूंगा और तुम अपने आदमी लेकर जा सकते हो, लेकिन पहले मेरा काम होगा। इसे डिलीवर नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। सब मारे जाएंगे या तुम्हें? तुम्हें अपनी जान की फिक्र है, कोर्ट के लिए? वैसे कोर्ट की हमें जरूरत नहीं होती। अच्छा चलो एक काम करो, अगर तुम इसकी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम इसके बारे में जल्दी बता दो। बताओ। नहीं, नहीं। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये कुछ नहीं जानता। पैक सिंक्लेयर, हम पैक सिंक्लेयर के लिए काम करते हैं, उन्होंने हमें इसे चुराने भेजा था। तुम कंपनी के लिए काम करते हो? तुम उस बेकार सी कंपनी के लिए काम करते हो? वो सिर्फ क्लाइंट है। तुम उस कंपनी के लिए काम करते हो और तुम उस कंपनी का हिस्सा हो, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए? मैं तुम में से एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस बेकार सी चीज को मिल्कौर को दे दूंगा। मिल्कौर के लोगों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुम्हें जानना चाहिए वो तुम्हें इस काम के लिए कोई नाम नहीं देंगे। वो तुम्हें देखते ही खत्म कर देंगे, इस डिवाइस के साथ हर चीज इरेज कर देंगे। इस डिवाइस की जानकारी के बिना ये बेकार है। नहीं मिलेगी, सिर्फ मिल्कौर और पैक सिंक्लेयर इसके बारे में जानते हैं। मिल्कौर इसे वापस लेगा, पर पैक सिंक्लेयर इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, तुम हमें नहीं मार सकते। अगर तुमने हमारी मदद की तो इनाम मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। कॉरपोरेशन तुम्हें झेल लेगा, वो किसी भी वक्त तुम्हें उठा सकते हैं। वैसे तुम हमसे अलग नहीं हो, वो अभी भी हमारे कंट्रोल में है। पर तुम्हारे लिए ये एक मौका है उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ हाथ मिलाकर नया रास्ता बनाने का, एक मौके का, वो भी मिल्कौर के बिल्कुल नाक के नीचे। बेकार भाषण था, तुम्हारे काम की है। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या इन बेवकूफों को इस चीज का पता है? मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं, नहीं। डेकर, डेकर, उसे इसके बारे में पता है, वो बता सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानता था कि तुम सबसे स्मार्ट हो। तो अब इस निकम्मे को पकड़ो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। उसे अकेला छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता। रुको, मेरी बात सुनो। रुको, मैं बताता हूँ। कोई चालाकी नहीं। हाँ पक्का। हाँ, ठीक है, रुक जाओ। चलो, चलो। हेलो। इसे देखो, तुम्हें पावर पसंद है ना? तो ये है वही पावर। Oh.
मैं शंट सेट कर रही हूँ। ओके रेडी। अरे बाप रे पुलिस। तुम ठीक हो? ठीक है चलो उठो। डेकर चलो उठो चलो। डेकर लगता है कि वो डिवाइस लेकर भाग गए। तुम्हें ये कहां से मिला? ये मेरे दोस्त ने दिया है, ये लो इसे भी रख लो। और मुझे नहीं पता कि उसे इसके इस्तेमाल के बारे में कैसे पता। इसके बारे में हमें पता नहीं गया था। तो तुम्हें कुछ नहीं बताया गया? पैक सिंक्लेयर की टाइमलाइन क्या है? मुझे नहीं पता। नेटली से बात नहीं हो पा रही। वो खोजी टीम को भेजेंगे। हमें डिवाइस को बचाना होगा। नेटली सुनाई दे रहा है? नेटली कम इन। ये नेटली की आवाज है। बिली तुम वही हो? बिली सुनाई दे रहा है? नेटली आवाज आ रही है, ओवर। यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, बात नहीं हो पा रही है। वहाँ हालात कैसे हैं? डेकर और केल डिवाइस लेकर भाग गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। जितनी जल्दी हो सके पैक्स सिंक्लेयर से बात करो। वो काम सही हो रहा है, कॉर्प कॉप्स वाला काम भी हो जाएगा। पता नहीं क्लार्क को क्या हुआ है। ठीक है, हमें जानकारी देते रहना। ठीक है, ओवर एंड आउट। वक्त के साथ काम बेहतर होता जा रहा है। ध्यान से। नैटली, नैटली, क्लार्क आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सैटेलाइट अपलिंक झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बिली ने कहा कि वो इतनी दूर तक नहीं आते हैं। नहीं आते, और टारगेट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी करो। ओके।
मुझे जल्दी ही काम करना होगा। जल्दी जल्दी। हो गया। ओके, लिंक बढ़िया है, पर अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? देखो, तुम्हें जल्दी करना होगा। वापस जाओ, वापस जाओ। आराम से पीछे जाओ। लगता है नेटली फिर से कॉल कर रही है। सुन सकते हो? नेटली, नेटली सुनाई दे रहा है क्या? मुझे सुन सकते हो बिली? हाँ सुन सकता हूँ। मुझे लगता है हम पैन से क्लीन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ कॉपी, कितना वक्त है? 5 से 10 मिनट। ठीक है, प्लीज हमें कुछ ऑप्शन दो। ठीक है, ओवर एंड आउट। चलो यहाँ से चलो, वो कभी भी आ सकते हैं। हे क्लर्क, क्या तुम्हें कार चोरी करने आती है? हाँ? नहीं। तुम सीखना चाहते हो? तुम ही क्या कर रही हो? हमें वो चीज पैक सिंक्लेयर को नहीं देना चाहिए, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया है बिली, ये गलत है बिली, ये गलत है। ओके, इसमें से आधे लोग तो गलत ही है, हमें काम को खत्म करना है। उनमें इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। देखो, चाहे चीज मिलकोर के पास जाए पैक सिंक्लेयर के, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बाहर है, हमें बस बस इसके बदले सौदा करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये लो। दरवाजा खोलने में मेरी मदद करोगे ना? मुझे आराम चाहिए। आराम बाद में करना, हमें तो यहां बाहर भी नहीं होना चाहिए था। ये काम बड़ा है डेका, तुमने जो कहा उससे भी बड़ा। ये चीज की कीमत अरबों में है। अगर हम जिंदा बचे तो? मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा डेका, ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखो मेरी तरफ देखो। हे, तुम ये मेरे लिए नहीं कर रहे, याद रखो कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो। ठीक है? ओके, चलो चलो। मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं। उठो उठो। बहुत दर्द हो रहा है। कल मुझे तुम्हारी यहां जरूरत है, प्लीज यहां आओ। वहां कौन है? कोई तो है। टेकर। गुड, तुम आ गई। किसी ने तुम्हारा पीछा किया? हाँ, पूरा ट्राइब हमारे पीछे लगा हुआ है। ये तो अच्छी बात है। वहां पर क्या हुआ? देखो, डिवाइस को जल्द से जल्द वहां डिलीवर करना होगा। खेल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। टेकर, तुम कैसे जानते हो कि डिवाइस को कैसे यूज करना चाहिए? देखो, ऑर्डर मैं नहीं देता, मैं तो सिर्फ उनको फॉलो करता हूँ, और इस वक्त ट्राइब्स हमसे ऊपर हैं। मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मुझे बताओ आप। पहले ये पैक सिंक्लेयर के पास ले जाओ। काइल। कोई बात नहीं, नेटली पैक सिंक्लेयर को कॉल कर रही है। खोजी टीम जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। हम यहीं रुकते हैं और कंपनी को इन सबको संभालने दो। फिर भी हमें ऑप्शन चाहिए। ये क्या बकवास है, हम उन्हें यहीं रोक सकते हैं। ये काम कर रहा है, जल्दी करो। अगर ये काम कर रहा है तो उन्हें हमारा पता लग गया होगा। हो गया, छोड़ो उसे और चलो यहाँ से। बिली, कम इन। बिली, सुनाई दे रहा है? बॉबी, नेटली, क्या पता चला? मैंने अभी पैक सिंक्लेयर को डेटा पैक भेजा है। उसने अभी डेटा पैकेट भेजा है? कितनी देर? कुछ मिनट। समझ गया, जल्दी करो। ओके, काम हो गया, अब हमें इंतजार करना है। चलो डेकोर। शैतान का नाम लिया और गेल, रुक जाओ। अब क्या तुम उसकी बात सुनोगे? मैंने कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो?
कम ऑन डेकर, तुम हटो यहां से। क्या बकवास है, मैं तुम्हें ऐसा बर्बाद नहीं करने दूंगा। डेकर, मुझे पता नहीं कि ये क्या चीज है, पर ये पता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो जो भी कुछ हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेकर, जूल्स, आर यू ओके? हाँ, चलो ध्यान से। वो डिवाइस नहीं है। जूल्स, इम्प्लांट खराब नहीं हुए। क्लार्क ने कहा उन्हें हैक किया गया है। क्या? डेकर ने किया है। नहीं 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 नहीं, उन्हें लगेगा हमने कुछ किया है। हम उन्हें सारी बात बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। डेकर ने हम सबको खतरे में डाल दिया है, वो हम सबको मार डालेंगे। हमें जाना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैट सिंक्लेयर कंपाउंड में सब जैम कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। जैसे मैंने कहा था, वो हथियार ले आएंगे, हमारी जान को खतरा हो सकता है। Come in, Billy. Come in. Oh, come in, Billy. Come in. मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हे, तुमने कार की वायरिंग जोड़कर बहुत अच्छा काम किया, मानना पड़ेगा। हा? वो भी इतनी जल्दी। तुम अच्छी हो। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं इस तरह की चोरियां अक्सर नहीं करती हूँ। नटाली, कम इन। नटाली, सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। यहाँ सब ठीक है, हमें जल्दी पिकअप चाहिए। क्लैन एंड टेलीमार्क। ठीक है, मिल गया। ओके, हम बस पहुँच रहे हैं। यहाँ से सीधे चलो, फिर एक कच्ची सड़क है, वहाँ से राइट ले लेना। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम दूसरा अपलिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं। Hey, Clark. हाँ। Thanks. पता है, एक बात तो है, मुझे भी ये करने मजा आ रहा है, बहुत टाइम बात किया है। नेटली और क्लार्क उसके पास पहुंच रहे हैं, चलो। कोई दिखा? क्या वही लोग हैं? पहुंच गए। hey. एक मिनट, मैं देखता हूँ, तुम अंदर ही रहो। हेलो क्लार्क। गॉड, डेकर, नहीं नहीं डेकर, ये क्या किया? यार, नेटली को तो नहीं, कम ऑन। ओह नहीं, चले। डिवाइस ले गया, पर पेक सिंक्लेयर आए, वो ले जाने वाले थे ना। हमें कॉम्प्रोमाइज्ड किया गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारा पता लगते ही वो लोग हमें मार डालेंगे।
जब डेकॉन ने मिशन को हाईजैक किया तो इस हालत में हमें पहुंचा दिया। पैक सिंक्लेयर को लग रहा है कि ये सब हमने किया है। अगर उन्हें वो चीज मिल भी गई तो हम सब मारे जाएंगे कंपनी की पॉलिसी। लेकिन हम कंपनी के लिए काम करते हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि हम कहां हैं। मुझे माफ कर दो बिली, मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए अफसोस है, मुझे डेकोर के लिए भी अफसोस है। अब हमें क्या करना चाहिए? सिंक्लर ने हैक को ब्रेक नहीं किया। अभी नहीं। चेकर ने इसे बोलने तक नहीं दिया। इसने बस हेलो क्लर्क कहा और इसने गोली मार दी। रुको, उसने एग्जैक्टली यही कहा था, हेलो क्लर्क। हाँ। देखकर कभी क्लार्क से मिला ही नहीं, ना उसे पता था कि वो कैसा दिखता है और ना ही कभी मैंने उसका नाम बताया। जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल को टैप कर रहे थे, कॉर्प कॉप्स को ये पता था, उन्हें हमारे ठिकानों का पता चल गया होगा। हमारे इम्प्लांट, इससे ही पता लगा होगा। देखकर वीडियो फीड्स देख रहा है। उसने फीड रोकी नहीं, उसने फिर से देखी, इम्प्लांट्स को रीप्रोग्राम किया। उसने हेल्प ली होगी कॉर्पोरेट। क्लर्क ने कहा था एनक्रिप्शन मिलिट्री ग्रेड का था। रुको, इसका मतलब वो हमें ट्रैक कर रहे हैं अभी भी। जूल्स कहाँ है? अभी तो यही थी। वो गन लेकर गई है और क्लार्क का ट्रैकिंग डिवाइस भी। वो डैगर के पीछे गई है। जूल्स, जूल्स, जूल, उस टैबलेट को नीचे रखो। चक्कर आ रहे? तुम कमाल की हो, सच कह रहा हूं, तुम्हारे पक्के इरादे काबिले तारीफ हैं। इससे दूर हो जाओ। मैं ये नहीं कर सकता। डेकोर, पीछे हट जाओ, वरना सच कहती हूँ मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो। देखो, मुझे मजबूर मत करो। माफ करना जूल्स, पर हमने सौदा किया। खेल, तुम्हें नहीं पता कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। मुझे पता है, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है ना, पूरी कंपनी को है, क्यों ना तुम इसमें। तुम अब कुछ नहीं कर सकती, सब खत्म। बैठ जाओ। पैक सिंक्लेयर हमें ढूंढ लेंगे। केल,
वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। देखकर देखकर सब संभाल लेगा। अब तुम कोई गड़बड़ मत करो ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। रुको डेकर, तुमने कहा था कि कोई क्यों किया? क्योंकि ये किसी काम का नहीं था। तुमने इसे क्या वादा किया था? कर्ज देने का लालच बढ़िया है। और किसे दिया? तुम्हारे कुछ आईटी पर्सनल। हमारे पास पैक सिंक्लेयर की तरह मेन लाइन कॉर्पोरेशन की रिसोर्स नहीं है। हमें काम करने वाले प्रोटोटाइप चाहिए और उसके लिए हमने कुछ बीज बोए। तुम काफी सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। हमें तैयार रहना चाहिए जब मौका खुद चलकर पास आए। जब ऐसा हुआ तो बात इतनी आसान नहीं थी। ये सब करने में बहुत खतरा था। तुम सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे और वो हाथ किसके होंगे बताओ? दूसरी कंपनी के, मिलकौर, या मेरी पैक सिंक्लेयर के? तुम्हें लगता है कि इन कंपनियों में कोई फर्क है? डेकर, तुम इसे गलत हाथों में नहीं दे सकते। तुम कंपनी की गुलाम हो, इसलिए आदर्श का लेक्चर दे रही हो, जैसे उससे फर्क पड़ता है। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। कंपनी को पता है कि काम के लिए उन्हें क्या चाहिए, और मुझे भी पता है कि तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें क्या दिया। तुम भी जानते हो और मैं भी कि यह चीज खतरनाक है। तुम्हें कैसा लग रहा है? कंफ्यूजन, याददाश्त कमजोरी, दिमागी परेशानी, या फिर ऐसा कुछ? नाक से खून। ये बहुत सख्त प्रोटोटाइप है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तुमने ये मेरे ऊपर इस्तेमाल किया? मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा ही है, देखते हैं कि वो ठीक से काम करता है या नहीं। ये कमाल का है, तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं है? बिल्कुल नहीं, पर सबकॉन्शियस को होता है। यहीं से तुम्हारी परेशानी शुरू होगी। ये ऐसे ही चलेगा, तुम्हें साइकोटिक ब्रेक की तकलीफ होगी और उससे हालात और बिगड़ेंगे। पैक सिंक्लेयर यहाँ आकर सब समेट लेंगे और हम सबको मार डालेंगे। इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी मारने वाली टीम्स हर जगह फैली हुई है। पर मेरे क्लाइंट ने उन लोगों को काम पर लगा रखा है और तब तक मैं इसे बड़े आराम से कहीं पर छुपा दूंगा। कर रही हो? कोई फायदा नहीं, पैक सिंक्लेयर हम सबको मार देगा। शायद नहीं, जब तक हमारे पास ये है। Ah.
तुम बच के रहना। पहले तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारे पास। और तुम्हारे इम्प्लांट्स बैक सिंक्लेयर जल्दी ही हमारे हैक निकाल देंगे, फिर तुम छिप नहीं सकोगे। इससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बिली मशीन को बर्बाद कर दो। क्या तुम इस काम में माहिर हो बिली? इसकी बात मत सुनो बिली। उन्हें तुम्हारे जैसा ही आदमी चाहिए, वो जो सब कुछ कर दे। मशीन को शूट कर दो। नहीं 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 मशीन ने किया जूल्स। मुझे माफ कर दो नथानी। वो उसे ले जा रहा है, उसने रोक दिया, उसने रोक दिया। जूल्स, जूल्स, तुमसे कहा था ना जूल्स कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। क्या कर रही हो? कुछ महसूस हुआ? पहले वाली जूल्स ऐसा कभी नहीं करती। प्लीज ऐसा मत करो डिकॉर, प्लीज। जका प्लीज। वो रही मेरी गाड़ी। नहीं, ओप्स, पूरा गेम पलट गया। अब तुम भी हम जैसे हो गए हो, जैसे पहले हुआ करते थे। जाओ जूल्स, जूल्स, जाओ। अभी तक नहीं। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? मैं खत्म कर दूंगा।
मजे करने को तैयार हो? स्नाइपर, स्नाइपर। अल्फा कंफर्म। अल्फा एक मारा गया कंफर्म। कॉपी कॉपी। टारगेट इमारत के अंदर है। टारगेट मारा गया। कॉपी दैट। टीम नॉर्थ एंड से इमारत में दाखिल। टीम नॉर्थ एंड की इमारत से दाखिल हो रही है। टारगेट दिख रहा है। उसे बिल्डिंग तक पहुंचने मत देना। टारगेट के पास हथियार है। आई रिपीट। ध्यान से आगे बढ़ो। हथियार है। जाने मत देना। हाँ, हम लोग टारगेट के पास जा रहे हैं। कंफर्म टारगेट मारा गया। उसे बिल्डिंग तक पहुंचने मत देना। समझ गए साहब? क्या आपको यहाँ से सिग्नल मिल रहा है? अगले ऑर्डर्स का इंतजार। क्या आप मुझे देख सकते हैं? हमारे पास कांटेक्ट हैं। यूनिट्स 1 और 2 डाउन। सभी यूनिट ध्यान दें। यूनिट रिस्पॉन्ड करिए। सभी यूनिट्स ध्यान दें। रिस्पॉन्ड करिए। ऑफिसर डाउन हो गया है। सभी यूनिट्स ध्यान दें। मेरी बात को कॉपी कर रहे हैं। साउथ वेस्ट एंड में है। सब लोग साउथ एंड की तरफ जाइए। शूटर बिल्डिंग के साउथ वेस्ट एंड में है। आपकी बात को कॉपी कर रहा हूँ। मैं साउथ एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। फिर से कहो। टारगेट दिख नहीं रहा है। नजर में नहीं है। फिर से कहो। मैं कोई मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। रुक जाओ अभी। ओके सर, कॉपी। फिर से कहो। डेल्टा चीफ, डेल्टा चीफ कम इन। बढ़ जाओ। डेल्टा चीफ कम इन। टारगेट दिख रहा है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी दिखा। हम आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं सर। एक आदमी दिखाई दे रहा है। वो हिल नहीं रहा है। बिल्डिंग तक मत पहुंचने देना। ओके कॉपी। गोली मत चलाना। कोई गोली नहीं चलाएगा। पूरे इलाके में ठीक से नजर रखो। कोई बच के नहीं जाना चाहिए। फिलहाल कोई बंदी नहीं होगा। खत्म कर दो।
जा चुका है, ये मर चुका है। चलिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहो टीम। होल्ड योर फायर। सब लोग आराम से। ये दोबारा चल रहा है, वो मशीन ऑन हो गई है। वो कंपनी मुझे नहीं पता। बिली तुम्हें गोली लगी है? कोई बात नहीं, चलो। बिली, ओह माय गॉड, रीइंफोर्समेंट, भागो। निकलने की कोशिश करनी होगी। वो मुझे ट्रैक कर ही लेंगे। देखो, तुम स्मार्ट हो, तुम यहां से निकलने का रास्ता निकाल लोगी, ठीक है? अटेंशन नंबर टू, कम इन, कम इन, कम इन। आजा आजा, कम इन, कम इन, कम इन। टीम डाउन, टीम डाउन। कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। जैसे मैं गोली चलाऊं तुम दूसरी तरफ भागना शुरू कर देना। बिली, ये पागल पर ठीक है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भागो। कंट्रोल कर रहे हैं। वो इसे मरने नहीं देगी।
मैंने उसे बर्बाद कर दिया, मैंने कर दिखाया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गई। देखो सुनो, तुम्हें यहां से जाना होगा। जब तक वो देखेंगे यहां पर क्या होता, तुम निकल जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी मदद करो। अब जाओ, जाओ। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तुम जान बचाने के लिए चाहे कुछ भी करो, पर यहां से जाओ, जाओ।